भारत से टिकटॉक नाम के वायरस से छुटकारा मिलने के बाद बहुत सारे वायरस यहाँ पे आ चुके हैं और उसमें से इंस्टाग्राम रील्स मोस्ट पॉपुलर है। तो आइए देख लेते हैं हमारे इंडिया के यंग मास किस तरह से इस रील्स के लिए पागल बन रहे हैं। अबे यार, लॉकडाउन पे दिमाग घूमने लगा है और उस तरफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने का सपना। आज कुछ भी हो जाए पापा को मना के ही रहूंगा रील्स बनाने के लिए। चलता हूं। क्या आज माँ से इतने जल्दी उठ गए हैं? क्या बात है? पापा एक जरूरी काम था। क्या बोल रहे हो? इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओगे? चले आराम खोर, मैंने तुम्हें इतना पैसे देकर पढ़ाया है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, ऐसे छपरियों की तरह नाचने के लिए नहीं। साले गरम चाय तेरे मुंह पे फेंक दूंगा, निकल यहाँ से। बड़ा आया यहाँ पे चले आने, बोला कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाऊंगा। वैसे चलो ना, हम भी थोड़ा देख लेते हैं इस इंस्टाग्राम रील्स पे होता है क्या। आइए। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट तुझे वो प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बेटा जिस उम्र में हाथ में बुक और हाथ में पेन होना चाहिए, इस उम्र में फोन पकड़ा देते हैं घर वाले और देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं फोन में। घोसड़ी के करते हो क्या तुम? देखते हो नहीं क्या बच्चों को क्या कर रहे हैं असल में फोन में? चलो हमारा क्या फटती है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इस रील्स पे हो रहा है देखने के लिए। चलिए चलते हैं। भाई आज खेत में आ गया अंगूर खाने। जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर इतने अंगूर खाएगा तोड़ तोड़ के, इतने अंगूर खाएगा तोड़ तोड़ के, खाट लेगा खेत में ही सो जाऊंगा, मम्मी ना सोची नहीं होगी। भाई थरा भाई जोगिंदर, इंस्टाग्राम पे ये इसी तरह से बकचोदी फैला रहा है। लोग पता नहीं क्यों इस बकचोदी वीडियो को रीच दिला रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा बंदा है जो सीना ठोक के कॉन्फिडेंस के साथ बकचोदी फैलता है। तो देख रहे हैं ना इसकी बकचोदियाँ क्या बोल रहा है। अरे तू अंगूर खा, गांड मरा, हमें क्या लेना देना है रे भाई, हमें क्यों बोल रहा है और ऐसे बार बार सीना ठोक के क्यों अपना नाम बोल रहा है? तू क्या इंडियन सोल्जर है या भारत के लिए कुछ कर रहा है? चल चूतिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये भाई देख रहे हो यूट्यूबर्स को भाई चैलेंज कर रहे हैं, यूट्यूब वर्सेस थरा भाई जोगिंदर, और हमको छपरी बोल रहे हैं। ओ भाई पहले अपना बैकग्राउंड देख लो, तुम्हारे रील्स पे कितने छपरी घूम रहे हैं और हम 15 सेकंड का ऐसे छपरियों की तरह नाच के खुद को कंटेंट क्रिएटर बोल के ऐसे सीने ठोक के नहीं बोलते हैं। एक ही पटाओ लेकिन मस्त पटाओ, बिल्कुल मेरे जैसी। मने न माने कोई दुनिया, ये सारी मेरे इश्क की है दीवाने। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या दीदी आप क्या दीपिका हो या फिर करीना हो जो लोग आपके जैसे ही बटाए? और हाँ एक बात समझ लो यारो, जो लोग जो भाइयों सोशल मीडिया पे लड़कियों को देख के दीवाने हो रहे हो तो प्लीज वो सब फिल्टर और कैमरा का कमाल है। अगर आपको उनसे मोहब्बत है या फिर प्यार हो चुका है तो फिर उनसे एक बार वीडियो कॉल पे बात कर लो, वो फिल्टर का कमाल है भोसड़ी के, वो असलियत नहीं है। कोई इंसान असलियत में ऐसा चिकना नहीं दिखता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज इसकी क्या जरूरत है डार्लिंग, सालों को तरक्की से जलाएंगे। आज की क्या जरूरत है डार्लिंग, सालों को तरक्की से जलाएंगे।
नहीं नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे दीदी का एटीट्यूड और स्वैग लेवल देख रहे हो ना, तो मतलब ये क्या है? कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं तुम एक बात बोलो, तरक्की से जलाने के बाद इस तरह से नाचने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसे 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 करके नाचने की क्या जरूरत है भाई? तुम तरक्की से जलाओ या फिर एकदम आग लगा के जला डालो किसी को। इसे जला के किसी को नाचने की क्या जरूरत? इस बात में लॉजिक क्या है? लॉजिक लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। तो मेरे भाई आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है वीडियो में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।